उसका पूरा इक्वेशन एंड ऑल देखा था राइट इसलिए कोई भी एसिड या बेस को हार्ड या सॉफ्ट कब बोलेंगे फिर हमने देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से ये सारी स्लाइड कवर हो स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को स्टूडेंट्स ओके अब ना आज हम लोग ड्रैगो-वेलेंड इक्वेशन करते हैं ना ड्रैगो-वेलेंड इक्वेशन क्या होती है तो मतलब ये इक्वेशन जो होती है ना तो ये यूज होता है ताकि हम लोग तो जैसे एसिड बेस का अगर रिएक्शन हो रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट जो इवॉल्व हो रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये इक्वेशन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज जो है वो हम लोग पता लगा सकते हैं किससे ड्रैगो-वेलेंड इक्वेशन से सो ड्रैगो-वेलेंड इक्वेशन से हम क्या पता लगा सकते हैं कि एसिड बेस का अगर रिएक्शन हो रहा है तो टोटल हीट कंटेंट मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है वो हम लोग क्या कर सकते हैं पता लगा सकते ठीक है नाउ ये रिएक्शन जनरली वीक न्यूट्रल एसिड और वीक न्यूट्रल बेसिस का एंथैल्पी हम लोग पता लगा सकते ठीक है वीक न्यूट्रल एसिड एंड वीक न्यूट्रल बेसिस एंड सॉल्वेंट्स कैसे होंगे इन पुअरली सॉल्वेटिंग सॉल्वेंट और इन गैसेस फेज ठीक है तो जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा रहेगा सॉल्वेटिंग पुअरली सॉल्वेटिंग होगा और या फिर इन गैसेस फेज तो ड्रैगो-वेलेंड इक्वेशन क्या है तो ये ना एक इक्वेशन है ठीक है ये एक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन से हम क्या पता लगा सकते हैं हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या फिर इवॉल्व हुई है मतलब हम लोग टोटल हीट कंटेंट पता लगा सकते हैं डेल्टा एच ठीक है एंथैल्पी चेंज पता लगा सकते ठीक है फिर ये जो रिएक्शन एसिड बेस की रिएक्शन किसमें हो रही है पुअरली सॉल्वेटिंग सॉल्वेंट या फिर गैसेस फेज में होगी उसी का हम लोग पता लगा सकते हैं ठीक है नाउ ये इक्वेशन क्या है तो ये देखो ये क्या है इक्वेशन ये है माइनस डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई ए इंटू ई बी प्लस सी ए इंटू सी बी तो ये इक्वेशन है तो इससे हम लोग डेल्टा एंथैल्पी चेंज क्या है वो देखते हैं तो ईए और ईबी क्या है ईए मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ एसिड टुवर्ड द डेटिव बॉन्ड ठीक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ एसिड टुवर्ड द डेटिव बॉन्ड नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ एसिड टुवर्ड डेटिव बॉन्ड मतलब क्या मतलब जो आयनिक एसिड और बेस में जो बॉन्ड हो रही है अगर आयनिक हो रही है मैम डेटिव बॉन्ड मतलब क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो लुईस एसिड और बेस में अगर रिएक्शन होती है ये देखो लुईस एसिड या बेस में जो रिएक्शन होती है फिर जो बनता है ना बॉन्ड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं समझ में आया यस मैम समझा हाँ तो ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे ए और बी की तो इसमें हम लोग ये क्या करते हैं कि ड्रैगो-वेलेंड इक्वेशन से हम लोग डेल्टा एच ठीक है अब देखो ये ईए इंटू ईबी है ईए इंटू ईबी बीच में प्लस है अब ना अगर ईए इंटू ईबी अगर इसका वैल्यू मल्टीप्लाई किया ईए का कोई वैल्यू है ईबी का वैल्यू है कोई और इसका वैल्यू ना बहुत ज्यादा है मतलब इसका वैल्यू क्या है ज्यादा है लार्ज है तो इसका मतलब ना कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनी है ना एसिड और बेस के बीच में जो बॉन्ड बनी है ना वो मतलब बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिकली बॉन्ड है और वो बहुत अच्छे से बनी हुई है मतलब यहाँ पे बहुत स्टेबल अडक बना हुआ ठीक है
मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बनी है वो आयनिक बॉन्ड बनी होगी, जैसे दो वैल्यूज है, एक ईए इंटू ईबी को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आएगी और सीए इंटू सीबी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी। तो अगर ईए इंटू ईबी का वैल्यू ज्यादा है सीए इंटू सीबी से, तो इसका मतलब जो एसिड और बेस में जो बॉन्ड बनी है वो कैसी है, वो बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड रहेगी और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिकली बहुत अच्छे से बॉन्डेड रहेगी। और अगर मान लो सी ए इंटू सी बी ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब मींस एसिड बॉन्ड वेल विद बेस थ्रू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म मोस्ट स्टेबल अडक। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है, ये जो ड्रैगो वेलेंट इक्वेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए इंटू ई बी प्लस सी ए इंटू सी बी, तो सबसे पहले जो ई ए ई बी सी ए सी बी ये सब क्या है, तो ई ए ई बी ये सब ना वैल्यूज होती है जो ऑलरेडी चार्ट में है। तो अपने को देखना, अगर ई ए इंटू ई बी अगर ये वैल्यू ज्यादा होती है सी ए इंटू सी बी से, इसका मतलब जो एसिड है इट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रोस्टैटिकली वेरी वेल विद द बेस एंड फॉर्म मोर स्टेबल अटक। और अगर सी ए इंटू सी बी का वैल्यू ज्यादा, एसिड बॉन्ड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म मोर स्टेबल अटक। समझ में आई बात? और ये दोनों को वैल्यूज ऐड बैड करके अपने को डेल्टा एच मिल जाएगा। तो मैम डेल्टा एच में नेगेटिव साइन क्यों है? इसमें डेल्टा माइनस डेल्टा एच है ना, तो माइनस रहता है ना, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज माइनस में भी होता है पॉजिटिव में भी होता है। अच्छा, तो ये मतलब एक इक्वेशन है। ठीक है, तो ड्रैगो वेवलेंथ इक्वेशन समझी? पहली चीज, ड्रैगो वेवलेंथ इक्वेशन जो है ये क्या इक्वेशन है भाई, क्या है, क्या हम लोग को इससे समझ में आएगा? ठीक है, तो ये अपने क्या बताएगी, एकदम सिंपल, एंथैल्पी चेंज। ये क्या बताएगी? एंथैल्पी चेंज। किसका एंथैल्पी चेंज? एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो वहां पे जो एंथैल्पी चेंज है वो बताएगी। ठीक है, फिर ये इक्वेशन, ये फिर क्या बोलने का, इक्वेशन क्या है? अभी इक्वेशन के बारे में तो पता होना चाहिए ना, इक्वेशन कौन सी है? तो इक्वेशन क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए इंटू बी ई बी प्लस सी ए इंटू सी बी। अब ई ए ई बी सी ए सी बी क्या है एकदम नॉर्मल टर्म्स में, तो ये ना वैल्यूज है। कौन है, किसके पास है ये वैल्यूज? मेरे पास है क्या? नहीं, एक चार्ट है, चार्ट में ना सब वैल्यूज होती है। ई ए का वैल्यू होगा, ई बी का होता है, सी ए का होता है, सी बी का होता है, सब कुछ पुट कर देने का। ठीक है, फिर बोला गया है कि अगर ई ए इंटू ई बी अगर ज्यादा रहेगा कंपेयर टू सी ए इंटू सी बी, तो समझ जाओ कि जो अपना एसिड है इट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रोस्टैटिकली वेल और बहुत अच्छा अडक बनाया। और अगर सी ए इंटू सी बी ज्यादा रहेगा, मतलब एसिड जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है विद बेस अच्छे से और बहुत अच्छा स्टेबल कंपाउंड बनाया। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये जो वैल्यूज थी किसने लिस्ट किया था, किसने दिया था? ये ड्रैगो और वेवलेंथ दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये वैल्यू मतलब वैल्यूज दिए थे। अब इसके ये वैल्यूज की हेल्प से ना हम लोग डेल्टा एच बहुत ज्यादा एसिड बेस रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। बहुत सारे एसिड बेस रिएक्शन के हम लोग डेल्टा एच वैल्यू पता लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ डेल्टा एच के वैल्यू से मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है, डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है मतलब डेल्टा एच का, तो फिर उससे ना हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ एसिड और बेस का भी रिएक्टिविटी अच्छे से पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता है कि यहाँ पे ना जैसे थोड़ा सा ये इक्वेशन में ना थोड़ा सा हमको मॉडिफिकेशन रहता है, मॉडिफिकेशन लगेगा। जैसे मान लो ये जो इक्वेशन है ना, ये जनरली न्यूट्रल स्पीशीज के लिए होता है। ठीक है, नाउ न्यूट्रल स्पीशीज मतलब क्या, देखो ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, एसिड होता है, बेस होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ तो मैम एसिड और बेस के बारे में बात करते, न्यूट्रल कहाँ से आ रहा है? राइट, मैंने क्या बोली, ये इक्वेशन ना न्यूट्रल एसिड बेस के लिए होता है। तुम लोग समझ रहे हो? मैंने क्या बोला था, ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रल एसिड बेस रिएक्शन के लिए होता है। तो अभी क्वेश्चन आता है ना कि एसिड बोला, बेस बोला, तो न्यूट्रल क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो न्यूट्रल ना, न्यूट्रल मतलब कैसा वाला न्यूट्रल? देखो, एसिड कटायनिक भी हो सकता है, अनायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। वहां से न्यूट्रल वाला टर्म आ रहा है, पीएच वाला न्यूट्रल नहीं।
समझा, जैसे एसिड होता है बेस होता है, और एक जैसे पीएच वाला एक एसिड होता है बेस होता है और न्यूट्रल होता है। तो अभी यहाँ पे जो न्यूट्रल है ना बच्चों, वो वैसा न्यूट्रल नहीं है, पीएच वाला न्यूट्रल नहीं है, ये एसिड कटायन कायनिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है, और न्यूट्रल एसिड भी हो सकता है, राइट। तो H प्लस तो एसिड है ही, BF3 क्या है, न्यूट्रल एसिड है ना, उसमें थोड़ी कोई चार्ज है कटायनिक वटायनिक, समझ में आ रही है बात। तो ये जो हाँ, तो ये जो इक्वेशन है ना स्टूडेंट्स, ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ना न्यूट्रल स्पीशीज के लिए बहुत अच्छे से होल्ड होती है, मतलब अगर कोई भी न्यूट्रल एसिड बेस का रिएक्शन है तो वहां पे ही अच्छे से अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मान लो कोई ऐसा रिएक्शन है एक कटायनिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है विद न्यूट्रल बेस, कटायनिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है विद न्यूट्रल बेस, ठीक है, एक ये न्यूट्रल एसिड का रिएक्शन हो रहा है विद अनायनिक बेस, या फिर कटायनिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है विद अनायनिक बेस। कटायनिक अनायनिक मतलब क्या, चार्ज वाला, कटायनिक मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज है, एसिड पे पॉजिटिव चार्ज है, अनायनिक मतलब क्या बेस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये ऐसे सब अगर रिएक्शन होते हैं ना, तो वहां पे हमको थोड़ा सा ये इक्वेशन का ना मॉडिफिकेशन करना होता है, ये इक्वेशन को मॉडिफिकेशन करना होता है, बिकॉज देर इज अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर भी होते हैं ना, जैसे अगर रिएक्शन हो रही है तो इसलिए फिर ड्रैगो और उनके जो कोवर्कर्स थे ना, उन्होंने ये इक्वेशन को ना मॉडिफाई कर दिए बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट भी लिया है, समझ में आया। तो ड्रैगो वेवलेन इक्वेशन जो थी, वो इक्वेशन मेनली एंथैल्पी चेंज जो है वो पता लगाती है, किसकी एंथैल्पी चेंज, एसिड बेस रिएक्शन की। ये ड्रैगो वेवलेन इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन वीक न्यूट्रल एसिड या फिर वीक न्यूट्रल बेस के लिए इक्वेशन है, वीक न्यूट्रल एसिड। वीक न्यूट्रल एसिड मतलब क्या, अपना जो एसिड या बेस रहेगा ये वीक रहेगा और ये न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल मतलब क्या, कोई चार्ज वार्ज नहीं रहने वाला है, ठीक है, समझ में आया। तो वो इक्वेशन सिर्फ इतनी सी है, इतनी सी, डेल्टा इज इक्वल टू ई ए इंटू ए बी प्लस सी ए इंटू सी बी। ई ए बी क्या है, सी ए सी बी क्या है, तो ये कुछ नहीं, बस एक वैल्यू है जो ड्रैगो और वेलेन ने दिए थे, आप मतलब लिस्ट करके दिए, वैल्यूज दिए हैं हमको ना, सिर्फ पुट करना है वैल्यू, समझ में आया। फिर बोला गया कि भाई अगर ईए और ईबी का वैल्यू ज्यादा है सीए और सीबी से, मतलब क्या, एसिड इलेक्ट्रोस्टैटिकली अच्छे से बॉन्डेड है विद बेस, और अगर सीए और सीबी का वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू ईए इनटू ईबी, मतलब एसिड बहुत अच्छे से बॉन्डेड है विद बेस थ्रू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इतना समझ में आया। फिर बाद में ऐसे था कि जैसे ये इक्वेशन तो हमने बोला न्यूट्रल न्यूट्रल के न्यूट्रल एसिड या बेस के लिए है, मतलब इसमें कोई चार्ज वार्ज ना रहे। लेकिन मान लो ये इक्वेशन जो है, अगर ऐसा भी कोई एसिड या बेस रहे जो कटायनिक एसिड रहे, अनायनिक मतलब चार्ज वाले एसिड बेस रहे, तो फिर क्या, तो उसके लिए ना ड्रैगो और वेलेन ने ना एक कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन किया था। यहाँ पे प्लस डब्ल्यू आएगा, तो एक कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। ये कांस्टेंट क्यों डाला गया, बिकॉज कुछ रिएक्शन ऐसे थे जिसमें एसिड और बेस में तो रिएक्शन होती है, लेकिन जो एसिड था वो कटायनिक था और बेस न्यूट्रल था, दूसरा एसिड न्यूट्रल है और बेस अनायनिक है, तीसरा एसिड कटायनिक है और बेस अनायनिक है। तो ऐसे जो रिएक्शन होने लगे, तो फिर वहां पे इस इक्वेशन का ना मॉडिफिकेशन करना पड़ा और वहां पे ना एक कांस्टेंट डालना पड़ा, दैट इज डब्लू। ओके, नाउ अब ये डब्लू कहां से आ गया भाई, ये डब्लू क्या है, तो कुछ नहीं, डब्लू भी क्या है, वैल्यू है, दैट इज ऑल्सो अ वैल्यू। वो दो चीज से बना रहता है, एक तो रहता है रिसेप्टेंस एसिड और ट्रांसमिटेंस बेस, आर ए टी बी। तो ये भी ना वैल्यू दी
मतलब रहेगी, ये आपको नहीं ऐसे निकालनी है कहीं से भी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर क्या हुआ, आर ए और टीबी जो है वो ऐड हुए, मतलब आर ए मतलब क्या रिसेप्टेंस एसिड और टीबी मतलब रिसेप्टेंस बेस, तो ये पैरामीटर्स को ऐड किया गया। ये जो इक्वेशन थी वो ये रहेगी, डेल्टा एच ए बी मतलब एसिड बेस ई ए इंटू ई बी प्लस सी ए इंटू सी बी प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू में क्या होगा रिसेप्टेंस एसिड इंटू ट्रांसमिटेंस बेस, तो ये क्या है, ये भी वैल्यू है जो दी गई रहेगी। समझ में आया? रिसेप्टेंस एसिड और ट्रांसमिटेंस बेस क्या होता है? रिसेप्टेंस एसिड ट्रांसमिटेंस बेस क्या है, ये ना वैल्यू है, ठीक है। अभी रिसेप्टेंस एसिड क्यों बोला गया और ट्रांसमिटेंस बेस क्यों बोला गया, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बेस क्या करेगा जनरली अगर लुईस के टर्म में बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा देगा और अपना जो एसिड है वो क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए उसको टर्म को ऐसा बोला रिसेप्टेंस एसिड ट्रांसमिटेंस बेस। अब ये हाँ, अब ये है क्या, ये वैल्यू है, ये वैल्यू दी गई है 5.9 6.8 7. मतलब कुछ भी, ये वैल्यू दी गई है, अपने को ये वैल्यू कुछ नहीं निकालना है। और ये कब यूज करेंगे हम लोग, ये वाली बड़ी वाली इक्वेशन कब यूज करेंगे, जब कटायनिक एसिड मतलब कोई भी चार्ज स्पीशीज है, जैसे एसिड अगर कटायनिक हुआ या फिर बेस अनायनिक हुआ, ठीक है, तब हम लोग ये यूज करेंगे। अगर ये नहीं है तो सिर्फ हम लोग यहाँ तक के यूज करेंगे, अगर दोनों भी एसिड और बेस न्यूट्रल है ना तो हम लोग सिर्फ इतना यूज करेंगे, ये आर ए टी बी का वैल्यू नहीं डालेंगे। समझ में आया? ठीक है, हाँ। अब ना इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन ये है कि जो अपना ड्रैगो वेवलेंथ इक्वेशन से, पहला तो चीज बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होते हैं एसिड बेस रिएक्शन से, तो उसके एंथैल्पी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग एंथैल्पी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटाथेसिस रिएक्शन इसके भी एंथैल्पी हम लोग निकाल सकते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन है। दूसरा चीज ये है कि जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है अगर नॉन पोलर या नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट में, तो वहां पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि ड्रैगो वेवलेंथ इक्वेशन जो है, जैसे और भी बहुत पैरामीटर लगते हैं ताकि हम लोग एसिड बेस रिएक्शन को क्वांटिटेटिवली समझ सके, मतलब ये डेल्टा एच का वैल्यू से मतलब बहुत हेल्पफुल है ये अपने लिए कि ये रिएक्शन को हम समझ सके, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है क्या है। समझ में आया? फिर बाद में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में भी अच्छे से बता देता है, जैसे मैंने बताया ना अगर ई ए ई बी का वैल्यू ज्यादा है तो मतलब यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड अच्छे से बन रही है, अगर जो सी ए इंटू सी बी का वैल्यू ज्यादा है मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग अच्छे से बन रही है, ठीक है। लेकिन इसका लिमिटेशन ये है ना कि ये जो है मतलब अपना ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम लोग ना एसिड बेस्ड रिएक्शन के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे एसिड बेस्ड रिएक्शन जो गैसियस फेस में हो या फिर नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट में हो, तो ये लिमिटेशन है कि हम लोग ये इक्वेशन का यूज तभी कर सकते हैं जब ये रिएक्शन जो है गैसियस फेस में हो या फिर नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट में हो। समझ में आया? तो ये है अपना ड्रैगो वेवलेंथ इक्वेशन। अभी एक बार ना रिपीट करते हैं ये ड्रैगो वेवलेंथ इक्वेशन क्या है। तो पहली चीज, ड्रैगो वेवलेंथ इक्वेशन क्या है, तो नॉर्मल कोई भी एसिड बेस रिएक्शन होता है तो उसमें आप लोग एंथैल्पी चेंज पता लगा सकते हैं, मतलब कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या फिर कितनी इवॉल्व हुई है। दूसरा, ये रिएक्शन जो है वीक न्यूट्रल एसिड और वीक न्यूट्रल बेसिस के बारे में बात करता है। तीसरा, ये रिएक्शन हम लोग स्टडी कर मतलब जो एसिड बेस का रिएक्शन होता है वो जनरली कहाँ पे, गैशियस फेस या पुअरली सॉल्वेटिंग सॉल्वेंट्स में होगा, तभी हम लोग ये इक्वेशन का यूज कर सकते। नेक्स्ट, ये जैसे कि एक दिया गया ड्रैगो वेवलेंथ इक्वेशन क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई ए इंटू ई बी प्लस सी ए इंटू सी बी। नाउ ई ए इंटू ई बी या सी ए इंटू सी बी क्या है भाई, तो ई ए ई बी सी ए सी बी ये सब वैल्यूज है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, हमको कुछ निकालना नहीं है इसमें, ठीक है।
फिर बोला गया कि अगर ई ए इंटू ई बी का वैल्यू ज्यादा है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिकली बॉन्ड, तो वहां पे बॉन्डिंग अच्छी, आयनिक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी उसमें अटल में और स्टेबल रहेगा। अगर सी ए इंटू सी बी का वैल्यू ज्यादा है, मतलब वहां पे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। ठीक है, फिर बोला गया कि मतलब ऐसे है कि जो नेक्स्ट है कि मतलब जो इसके हेल्प से, ये वैल्यूज के हेल्प से हम लोग ना बहुत सारे एसिड बेस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हैं, एंथैल्पी चेंज हम लोग निकाल सकते हैं, और डेल्टा एच मिल जाएगा तो रिएक्टिविटी के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, एसिड और बेसिस की रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी मानसिक को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कब से नहीं दिख रहा है, मानसिक को नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तुम लोगों को स्टार्ट से स्क्रीन ही नहीं दिख रहा था, हम लोग को दिख रहा है, दिख रहा था, दिख रहा था, नहीं नहीं स्टार्ट से दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है मैम, अभी जस्ट नहीं दिख रहा है ना, मानसिक दिख रहा है, हां जस्ट नहीं दिख रहा है, हाँ आप देखो क्योंकि बाकी तीनों को दिख रहा है ना, न्यूट्रल स्पीशीज के लिए होता है ये इक्वेशन जो उतना सा था, ए इंटू ई बी प्लस ए इंटू सी बी। फिर बोला गया कि भाई अगर मान लो एसिड कटायनिक रहा या फिर बेस अनायनिक रहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन लोगों ने ना एक कांस्टेंट टर्म डाला, वो है डब्लू। तो डब्लू क्या है, डब्लू मतलब क्या, आर ए इंटू टीबी, रिसेप्टेंस एसिड ट्रांसमिटेंस बेस। तो फिर से बात आई कि ये क्या है भाई, तो ये कॉन्स्टेंट है जो वैल्यू दी गई रहेगी। ठीक है, फिर बाद में इसके हेल्प से, मतलब ये जो इक्वेशन थी तो इसके हेल्प से हम लोग जो है बहुत सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है उसका एंथैल्पी से नॉल निकाल सकते हैं। फिर ये इक्वेशन जो है अगर नॉन पोलर या फिर नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट में हो रही है या फिर गैसियस फेस में हो रही है तो वहां पर भी उसका डेल्टा एच वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर ये जो इक्वेशन है वो अपने को बहुत, मतलब एसिड और बेस का जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके बारे में और अच्छे से हमको समझा सकती है ये रिएक्शन, ये जो इक्वेशन है। ठीक है, फिर इसने, ये इक्वेशन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में भी हमें अच्छे से समझा दिया है। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन यही है कि एसिड बेस रिएक्शन का डेल्टा एच तो निकाल लेंगे, लेकिन कौन सा फेस होता है उन लोग का जहाँ पे रिएक्शन होती है, गैशियस फेस या नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट में ही हम लोग निकाल सकते हो। ये लिमिटेड है टू न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज को कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, श्योर? ठीक है, अब ना ठीक है, अब लिखो इसको। Now, ये भी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि एक ही टॉपिक है इसमें, तो ये पूरा एक न्यूमेरिकल ही आएगा, न्यूमेरिकल इसमें नहीं आएगा, इसमें न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आपसे थोड़ी देखना चाहेंगे कि आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर सकते हो कैसे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं, मतलब आया ही नहीं था, मतलब सिर्फ आपको ना डायरेक्ट ऐसे लिखा रहेगा कि ड्रैगो वेवलेंथ इक्वेशन के बारे में बताओ, बस ऐसे क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल आया भी तो उनको सारी की सारी वैल्यूज आपको देनी पड़ेंगी, इसमें कोई भी एक वैल्यू नहीं है ऐसा है जो आपको निकालना पड़ेगा। तो मैम वो लोग को भी, तो मैम इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? ड्रैगो वेवलेंथ को उन लोग ऐसा आएगा, देखो, हाउ इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस रिएक्शन डिसाइडेड बाय ड्रैगो वेवलेंथ इक्वेशन, डिस्कस द एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। अच्छा, थ्योरी बेस्ड है। हाँ, थ्योरी बेस्ड है, पूरा थ्योरी बेस्ड है।
रैगो वेवलेंथ को कहाँ से मिला होगा, उन लोग ने एक्सपेरिमेंट एंड ऑल सब करके एकदम परफेक्ट वैल्यू सबकी निकाल के रखे थे। तुम लोग नेट पे चेक करोगे ना तो वैल्यूज है सारी की सारी, ठीक है। तो डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन आएगा, अभी तुम लोग लिख लो, फिर बाद में ना मैं लिखवा ये क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, या फिर चाहिए तो तुम लोग ने स्टार्ट कर दिया है क्या लिखना? हाँ ठीक है लिख लो। डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव क्यों था? तो देखो डेल्टा एच का वैल्यू ना अगर ना मान लो नेगेटिव रहता है तो यहाँ पे ऐसा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जैसे माइनस डेल्टा एच था ना, तो उस माइनस को हम लोग इधर भी तो भेज सकते हैं बाजू में। तो अगर इस तरफ वैल्यू, अगर तुम्हारा राइट साइड मतलब एक सेकेंड, अगर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखो डेल्टा इधर माइनस है ना, तो यहाँ पे अगर वैल्यू हमने निकाले ई इंटू ई बी प्लस सी इंटू सी बी, और अगर मान लो जो वैल्यू है बच्चों वो वैल्यू ना माइनस नाइन आई, मान लेते माइनस नाइन आई, तो ये माइनस इधर को अगर इस तरफ कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगी, तो मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मान लो डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है तो मतलब एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, समझा? और ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मान लो अगर यहाँ पे नाइन आया, माइनस नाइन नहीं नाइन आया, इधर ई ए इंटू ई बी सी ए इंटू सी बी नाइन आया, तो नेगेटिव को तो इस तरफ तुम लाओगे ही लाओगे, तो नेगेटिव आ गया माइनस नाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो एक्सपेल्ड हुई है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बच्चा आपको नेगेटिव साइन रहेगा ही रहेगा, ये आपको ना ये इक्वेशन ही लिखनी है, ठीक है, ये इक्वेशन लिखनी है। अब देखो, अब मान लो ना ऐसे ले लेते हैं कि हमने हमें ना ई ए ई बी सी ए सी बी सब दिया हुआ है, हाँ, और सबका वैल्यू वन वन है, वन वन ई ए वन है, ई बी वन है, सी ए वन है और सी बी वन है, सब वैल्यू दिया है तुमको, तुमने वन वन एड किया तो वन इंटू वन वन प्लस वन इंटू वन वन, तो कितना हो गया, वन प्लस वन कितना हो गया, टू ना, टू हुआ कि नहीं, टू टू हुआ, इतना समझा। अब तुम माइनस को इस तरफ लाना पड़ेगा तुमको, तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। माइनस टू कैसे होगा मैम, यहाँ से नेगेटिव से इस तरफ आ रहेगा तो पॉजिटिव होगा ना, लेकिन तुमको टू वैल्यू है ना, माइनस टू थोड़ी है, अगर माइनस टू होता तो वो माइनस इधर आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो टू हो जाता ना। रुक जाओ मैं बता दूँ, देख रिचा माइनस को उधर ही रख और डेल्टा एच को राइट हैंड साइड में लेके आ, टू को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा। तो उसको अगर हम मतलब क्या बोलते हैं इक्वेशन के फॉर्म पे लिखेंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टू आएगा। देखो ये ऐसा रहेगा, माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू टू टू, हाँ इतना ठीक है। अभी डेल्टा एच इज इक्वल टू, माइनस को इस तरफ लेकर आओ, ये टू, तो ये वाला जो माइनस है ना यहाँ पे ये इस तरफ आ जाएगा, तो कितना हो गया माइनस टू। अब क्या मैं बोलूं, डेल्टा एच अगर माइनस में रहा तो मतलब ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी क्या हुई, एक्सपेल्ड हुई है। अब समझा डेल्टा एच कैसा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब मान लो एग्जांपल लीजिए उस जिसमें माइनस मतलब माइनस में रिजल्ट है, एक और एग्जाम्पल जिसमें माइनस में रिजल्ट है, नहीं मैं पॉजिटिव लाती हूँ, रुको देखो देखो, हाँ ये डेल्टा एच और ना इज इक्वल टू जो ई ए इंटू ई बी प्लस सी ए इंटू सी बी तुम लोगों ने कैलकुलेट किए ना,
वो मान लो तुम्हारा ना माइनस में है, माइनस माइनस थ्री आया, ठीक है। अब बताओ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये अगर माइनस इस तरफ आया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ये वाली जो रिएक्शन है डेल्टा एच नेगेटिव है, इससे ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें पॉजिटिव है, इससे ये रिएक्शन क्या है, एंडो है। समझ में आया आप? जिसको नहीं समझ में आता, किसको नहीं समझ में आता, रिचा को नहीं समझ में आ रहा था ना, समझा आपको? हाँ मैम अभी समझा। हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग डेल्टा एच से मतलब है, हम लोग माइनस डेल्टा एच नहीं देख रहे, हम लोग डेल्टा एच देख रहे हैं कि डेल्टा एच क्या निकलेगा। तो क्वेश्चन आता है भाई माइनस का क्या करेंगे, तो माइनस को सीधे तरफ ले आओ। समझ में आया ना? यस मैम। ठीक है फिर लिख लो अभी, बस ये पेज हो गया था तुम लोग का।
यस मैम हो गया। बाकी सब तो सबको समझा ड्रैगो वेवलेन इक्वेशन? यस मैम। ओके ठीक है। सो अभी हमारा एक सेकेंड, सो यूनिट थ्री में से अभी दो टॉपिक हो गए अपना, तो ये था ड्रैगो वेवलेन इक्वेशन, उसके पहले क्या था मेजरनेस ऑफ हार्डनेस और बेस रिएक्शन, और एक हमने देखा था सुपर एसिड, राइट? ठीक है, तो किसी में कुछ डाउट है? हार्डनेस सॉफ्टनेस में कुछ डाउट था आप लोगों को? नो ना? और सुपर एसिड वाला वो भी क्लियर हो गया था ना, सुपर एसिड पहले वाला? ठीक है, तो ये अभी अपने तीन टॉपिक हो गए। Now next we will start with Latimer diagram. In next lecture में हम लोग Latimer diagram देखेंगे
ये लेटिमर डायग्राम क्या होता है, ठीक है, फिर वहां पे फ्रॉस्ट डायग्राम भी है, तो ये ड्राइव। अच्छा हाँ, वो क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, लिमिटेशन के बाद एक क्वेश्चन लिखो, राइट। हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस रिएक्शन decided by Drago Weyland equation? हो गया। डिस्कस इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन हो गया। ओके ठीक है। और मेजरनेस और हार्डनेस और सॉफ्टनेस का क्वेश्चन लिखे थे ना आप लोगों ने। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है लैटिमर डायग्राम देखेंगे। ओके ओके चलो फिर।